कैसे हैं दोस्तों आप सभी। पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि जो हमारे हीरो के पास एक स्पेशल लॉटरी थी उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसे एक स्पेशल इक्विपमेंट मिलता है जिससे उसकी सारी बॉडी हील होने लगती है। फिर आगे चले देखते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं इसे हील होने नहीं दे सकती, मैं इसे भागने नहीं दे सकती, मैं इससे मार दूंगी, ये कहकर उस पर अटैक करने के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन एक तेज सी रोशनी हमारे हीरो के ऊपर आकर गिरती है, फिरती है। फिर लड़की कहती है कि ये कैसी बहुत बुरी फीलिंग है जो दिख रही है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, फिर वहाँ से एक स्लैश मारता है जो लड़की की तरफ जा रहा होता है, फिर लड़की वहाँ से हट जाती है। फिर लड़की कहती है कि ये कैसी पावर है, ये करके वो सोचने लगती है कि ये तो स्पेशल इक्विपमेंट की पावर लग रही है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक था, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। फिर हीरो कहता है कि ये एक स्पेशल इक्विपमेंट है जो एक तरह से मुझे हील कर देता है, जो मेरा हार्ट है और जो मेरा लेफ्ट आर्म है उन सबको सक्सेसफुली हील कर दिया है। देखा, स्वर्ग भी मुझे मारना नहीं चाहता है, ये मेरी ड्यूरिंग स्वॉर्ड है जिसे मैंने समन कर लिया है। फिर लड़की कहती कि तुम बहुत ही नए हो, इसलिए जो लार्ज कंट्रोल है स्वॉर्ड का तुम कर नहीं पाओगे इतनी आसानी से। फिर हमारे हीरो कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं पूरा आर्म्ड हो चुका हूँ, फुली कवर्ड हो चुका हूँ और मैं तुम्हें डिफीट कर दूँगा, ये काफ़ी नहीं, ये काफ़ी जो तुमने किया बहुत ज़्यादा हो गया स्टेकिंग वुमेन। फिर लड़की ये सुनकर बोलती कि क्या तुम मुझे हराओगे, ये करके वो जोरों से हंसने लगती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये क्या चल रहा है। फिर लड़की कहती कि तुम कितने इग्नोरेंट हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक कि मेरी पावर, क्या तुम सोचते हो कि ये गेम एक वेपन की सिर्फ है, मैं तुम्हें अपने रियल गेम की पावर को दिखाती हूँ। फिर हमारे हीरो कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम मेरे पास आओ, तो ये करके लड़की ये सुनती थी लड़की हंसती है और वो उसके पास जाने लगती है अटैक करने के लिए। फिर हमारा हीरो भी तैयार होता है और उस पर एक स्लैश मारता है, लेकिन लड़की वहाँ से हट जाती है और फिर उसके पीछे आकर कहती है कि तुम कहाँ देख रहे हो लिटिल फैटी। फिर हीरो हमारा घूम कर उससे फिर कहता है ठीक है ये लो, फिर ये कहकर उस पर अटैक करता है। फिर वहाँ से फिर लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे तुम पे दया आ रही है, तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे हो। फिर ये सुनता है हमारा हीरो अपने चारों ओर स्लाइसेस मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर ये ऑनलाइन गेम होता तो अब तक तुम कितनी बार मर चुकी होती स्टिकी वुमेन। फिर लड़की कहती कि तुम ये छोड़ दो, ये सब ट्राई करना छोड़ दो, ये तुम अपनी स्वॉर्ड को इस तरह अपनी छोटी सी पावर से स्विम नहीं कर सकते, तुम मुझे मानना इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम कितने घायल हो चुके हो। फिर हमारा हीरो अपने अपने आप को देखता है, फिर कहता है ये क्या है। फिर लड़की कहती कि मैंने अपने क्लास से तुम्हारे अपने विक्टिम पर मार्क छोड़ देते हूँ, जिससे कुछ स्केचेस हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं उनको एक रोज की तरह बॉम्ब की तरह उड़ा सकती हूँ। ये कहकर वो एक एक उसे बम की तरह उड़ा देती है, जिससे हमारे हीरो को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। फिर
फिर लड़की कहती कि तुम तो अभी तक गिरे नहीं, जो तुम्हारी ये बड़ी सिस्टर है तुम्हें एडमायर करती है इस सभी दिक्कतों के लिए। फिर ये कहकर उस पर एक लास्ट ब्लो करती है और कहती है कि मर जाओ। फिर हमारा हीरो कहता है कि ना, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं मरने से मना करता हूँ। ये कहता है। ये फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके स्वॉर्ड में कुछ रोशनी चमकने लगती है। फिर सिस्टम बताती है कि प्लेयर से कुछ डिटेक्ट हुआ है कि अचानक उसके इमोशन और उसके इक्विपमेंट से 100% का एनर्जी महसूस हुआ है। इसके वजह से जो तुम्हारी ड्यूरिंग स्वाड है रिसीव कर सकती है और अपग्रेड कर सकती है। क्या तुम उसे ड्यूरिंग स्वाड को अपने रेयर स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो? तो हमारे हीरो कहता है कि हाँ, करना चाहता हूँ। ये करके उसे एक एक्टिवेट कर देता है। फिर सिस्टम उसे कहते हैं कि तुम्हारा रिक्वेस्ट को कंफर्म कर लिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक तेज से रोशनी फिर से आकर हमारे हीरो पर गिरती है। फिर दिखाया, लड़की सोती कहती है कि जो लिटिल फैटी है एक मैजिशियन की तरह लग रहा है, और ये सब सारी ट्रिक मुझे हराने के लिए सब बेकार है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत ज़्यादा ही बदल गया होता है, और वहाँ से उछलकर लड़की बस अटैक करने के लिए वापस आता है। फिर लड़की कहती है क्या इसकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर हमारा हीरो उस पर लगातार अटैक करता रहता है और लड़की उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि स्टिंकी वूमेन कहाँ, तुम देख रही हो, पीछे देखो। ये कहकर उस पर अटैक कर देता है। लड़की उसे अटैक से रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। फिर लड़की कहती है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया, मैं कैसे रोक नहीं पा रही, ये क्या हो रहा है। फिर हमारे हीरो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने जितनी अपनी लाइफ थी अपने स्वाद में डाल दी है। फिर लड़की कहती है कि तुम ट्रैश हो, मैं तुम्हें अपने बताती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना गैप है। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम अब हार चुकी हो। फिर लड़की कहती है कि तुम ये सब दिखाना बंद करो, तुम मुझे हंट करने का नतीजा बहुत खतरनाक से भुगतोगे। फिर कहता है कि क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि तुम मेरे टेरिटरी में हो, जो तुम्हारा स्पेल है, जो तुमने कास्ट किया था, जो मेरी एनर्जी की स्वाड है उसे धीरे धीरे हटा रही है चारों तरफ से। कुछ देर बाद जो तुमने जो मूव अपना दिखाया था, मैं अपना मूव दिखाने जा रहा हूँ अपनी मेरी मेरी किलर स्ट्राइक को। ये कहकर वो अपने स्वाट को जमीन में धंसा देता है और कहता है कि तुम मेरे स्वाट की पावर को एक्सपीरियंस करो। देखते हैं कि उसके स्वाट से बहुत ही पावर निकल रही होती है, जिसे मेगा किलर स्ट्राइक कह दिखाया जाता है। फिर लड़की को दिखाया जाता है जो कांपने लगती है, बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और चारों तरफ देखती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम इसे रोक सकते हो, चलो जैसे तुम कह रहे थे पहले खेलना चाहते हो वैसे ही खेलेंगे। फिर हमारा दोस्त कहता है कि मुझे माफ़ करना पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर वो पूरा अपने अटैक को कर देता है, जिससे देखते हैं कि उसके चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग होती है वो टूट कर उसके ऊपर गिरने लगता है। ये कहते ही उसके सारे पत्थरों के नीचे आकर दब जाती है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि वो कहता है कि यू ही तुम मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं जल्द ही 100 मिलियन पॉइंट को कलेक्ट कर लूँगा और तुम्हें ज़िंदा कर दूँगा।